नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हम बीमार क्यों होते हैं। बीमारी का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य को समझ लेते हैं। तो हमने सुना होगा कि यदि कोई बच्चा बीमार है तो लोग बोलते हैं उसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं। यदि कोई बच्चा पढ़ाई में मन नहीं कर लग रहा है उसका और वह गुमसुम सा रहता है तो लोग बोलते हैं उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यदि हमारे समाज में गंदगी है तो लोग बोलते हैं समाज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इसका मतलब कि हमारे स्वास्थ्य का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा है, स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किए जा सके। तो अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य का बिगड़ना। तो यह व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याओं का कारण है। व्यक्तिगत कारण होते हैं कि यदि कोई एक व्यक्ति बीमार है तो वह दूसरे को बीमार कर सकता है। यदि वह बिगड़ा हुआ है तो दूसरों को भी बिगाड़ सकता है। और ये सामुदायिक समस्याएं होती हैं कि इस पिक्चर से हम समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर गांव में बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, तो इसका कारण होता है कि हम बीमार हो जाते हैं। तो यह हमारी सामुदायिक समस्याएं हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। तो अब हम स्वस्थ और रोग मुक्त में अंतर को पढ़ेंगे। तो हम देख चुके हैं कि हमारा स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामुदायिक कार्य क्रिया विधियों पर निर्भर करता है, और हमारा रोग मुक्त होना हमारे शरीर के अंदर जो रोग होते हैं उन पर निर्भर करता है। तो यदि हम ये देखें कि एक बच्चा है जो डर रहा है और वो अपने समाज से डरता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह रोगी है, पर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो यदि वह धीरे धीरे बड़ा होता है और उसका ये डर ठीक हो जाता है तो वह कहलाएगा कि वह स्वस्थ हो गया है, वह रोग मुक्त नहीं कहलाएगा। तो अब हम रोग मुक्त को समझ चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे रोग क्या है। शरीर के एक या अनेक अंगों और तंत्रों की क्रिया और संरचना में परिलक्षित खराबी। तंत्र का मतलब होता है कि यदि हमारे कोई शरीर की क्रियाविधि करने के लिए कुछ अंग विशेष समूह में कार्य करते हैं तो समूह को तंत्र कहते हैं। जैसे हमारा पाचन तंत्र है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है। इसके समूह में आमाशय, यकृत और ग्रहणी आते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें एक रोग होता है पेप्टिक व्रण। तो आमाशय और ग्रहणी आप देख सकते हैं चित्र में। तो इसमें अम्लता संबंधित जब दर्द होता है या रक्तस्राव होता है तो उसको हम पेप्टिक व्रण कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रोगों के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, तीव्र प्रचंड तथा दीर्घकालीन रोग। तो सर्दी खांसी तीव्र रोग हैं जिनका स्वास्थ्य पर कोई विशेष कुप्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा वजन कम नहीं होता है और हम ज्यादा कमजोर नहीं होते हैं, और ये हम एक दो दिन में ठीक भी हो जाते हैं। पर यदि हम फीलपांव, एलिफेंटाइटिस और फेफड़ों के क्षय रोग की बात करें तो ये दीर्घकालीन रोग हैं जो कई समय तक हमारे शरीर में रहते हैं। और ये दीर्घकालीन रोगों से वजन का कम होना, समय के साथ थकान महसूस होना आदि को प्रभाव होने लगते हैं। इससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और हमारी सोचने की क्षमता भी कम होने लगती है। रोगों के कारक तो ये कुछ स्तरों पर निर्भर करते हैं। सबसे पहला तात्कालिक कारण होता है वायरस। वायरस जो दूषित जल से आ सकता है, वायु से आ सकता है या फिर स्पर्श से आ सकता है। तो जैसे हम देखें कि एक बच्चे को दस्त की बीमारी है, दस्त तो इसका मतलब है कि उसका तात्कालिक कारण दस्त के वायरस हैं, और जो उसे गंदे पानी पीने से हो गए होंगे या फिर किसी और बच्चे से लग गए होंगे। तो दूसरा कारण है कुपोषण, पर्याप्त पोषण का ना होना या अनुवांशिक विभिन्नता। अनुवांशिक विभिन्नता को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि कोई रोग एक बच्चे को होता है और दूसरे बच्चे को नहीं होता है तो इसका मतलब है कि उसकी कोशिकाओं की संरचना ऐसी है कि कोई रोग उसे प्रभावित कर सकता है, और दूसरा बच्चा जो स्वस्थ है उसकी कोशिकाओं की ऐसी व्यवस्था है कि वह रोग उसको प्रभावित नहीं कर सकता। ये होती है अनुवांशिक विभिन्नता। तो कुपोषण गरीबी पर निर्भर करता है और अनुवांशिक विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों पर। तीसरा कारण है लोक सेवाओं की अनुपलब्धता। यह हमारे स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और यदि समाज में गंदगी है, समाज में रोग है, तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो हम पढ़ेंगे संक्रामक कारक और असंक्रामक कारक। संक्रामक कारक वे सूक्ष्म जीव जो रोगों के कारण होते हैं और समुदाय में फैल सकते हैं, जैसे इबोला वायरस जिसने अभी कुछ ही समय में बहुत सारी तबाही मचा चुका है।
असंक्रामक कारक वे सूक्ष्म जीव हैं जो समुदाय में नहीं फैल सकते, जैसे पेप्टिक व्रण होता है जो आमाशय और गृहिणी में, ये हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया से होता है पर ये समाज में नहीं फैलता। तो संक्रामक कारक रोगों की परिभाषा बनती है कि संक्रामक कारकों से होने वाले जो रोग हैं वो संक्रामक कारक रोग होते हैं और यह समाज में फैल सकते हैं। तो अब हम संक्रामक रोगों के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवियों के द्वारा होते हैं, तो इन सूक्ष्म जीवियों को दो वर्गों में बांटा गया है, एक कोशिकीय अथवा प्रोटोजोआ और बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीवी। तो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवी में आते हैं वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई। वायरस से सर्दी, खांसी, जुकाम, एड्स और डेंगू होता है। बैक्टीरिया से टाइफाइड, हैजा और क्षय रोग होता है। फंजाई से त्वचा रोग होते हैं। और बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीवों में आते हैं कृमि, जिनसे फील पाव होता है।